खेल के बीच प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की एंट्री हो चुकी है। ईडी ने शिवसेना सांसद संजय राउत को समन भेजा है। राउत को कल पूछताछ के लिए बुलाया गया है। बताया जा रहा है कि संजय राउत को यह समन प्रवीण राउत और पात्रा चौल भूमि घोटाले से जुड़े मामले में भेजा गया है। संजय राउत ने ट्वीट कर कहा कि मैं अब समझ गया हूं कि ईडी ने मुझे समन भेजा है। हम सब बाला साहेब के शिवसैनिक बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं, ये साजिश चल रही है। वहीं शिवसेना नेता संजय राउत ने एकनाथ शिंदे और बीजेपी पर हमला किया है। अब से थोड़ी देर पहले उन्होंने कहा कि बागियों की आत्मा मर चुकी है, उनका जमीर मर गया है, जनता आत्मा मिला है, सिर्फ अभी उनका बॉडी बचा है, जिंदा है, जिंदा लाशे, ये तो शब्द हमारे हिंदी मराठी सब भाषा में है, तो यहां तो उनकी सिर्फ बॉडी आ जाएगी, आत्मा कहां है? उनका आत्मा मर चुका है। या अगर मैं कहा है, या अगर हे जर मी बोललेलो असेल तर त्याच्यामध्ये एवढं मनाला लावून घ्यायचं कारण काय आहे? जो लोग 40-40 साल से पार्टी में रहते हैं और भाग जाते हैं, उनका जमीर मर गया, आत्मा मर गया है, तो क्या बचता है? जिंदा लाश, जिंदा लाश, जिंदा कौ में, ये शब्द राम मनोहर लोहिया साहब का है। जिंदा कौ में 5 साल तक इंतजार नहीं करती, किसने कहा है? राम मनोहर लोहिया ने कहा। तो ये शब्द नया नहीं है महाराष्ट्र और देश के लिए, लेकिन समझ लीजिए आपकी जो बुद्धि है वो कुंठित हो गई। आप ऐसे लोगों के साथ कैसे रिश्ते बना सकते हैं जिसके महबूबा मुफ्ती के साथ संबंध है, जो प्रो पाकिस्तान है? आप ऐसे लोगों के साथ कैसे संबंध रख सकते हैं जो पुलवामा में 300 किलो आरडीएस रखा, 40 जवानों की हत्या हुई और आप पर आरडीएक्स किसने रखा है आपको पता नहीं है? ये सरकार को ऐसे लोगों के साथ आप इस तरह दावत की बात बाद में करें। तो आइए